वो बेटी नहीं थी, वो चंडाल थी, सब कोई पकड़े आ पकड़े नहीं था, उसे केना केना वो बेटी क्या रहल छै कौन भूलन में, सब तो पढ़े लिखबे कल, सब घर में माय छ बेटी छ बहू छ, सब घर में छै कि नहीं छै, ओकरो घर के खिलाफ क्या लुटे, आज नहीं रहे कोई हमरा दुए बापुत रहे तब ना हमर घर डूब गए, हमरा इज्जत छै कि नहीं छै, बड़ा प्रेम लैके बहन बेटी। आप सभी देख रहे हैं कि YouTube पे आरती और छोटू के प्यार के बारे में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरती के भाभी ने छोटू को बुलाया था कॉल करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरती के कॉल रिकॉर्ड से ये साफ साफ पता चलता है कि आरती ने खुद कॉल करके छोटू को बुलाया था, जिसमें से कि उसके भाभी से मिलाना था, क्योंकि उसके भाभी ने बोला था कि आप मिलाइएगा अपने बॉयफ्रेंड से, तो आरती बोली थी हाँ मिलाएंगे, तो वही कॉल करके उससे बात करके बुलाया था छोटू को कि भाभी बोल रही है कि शादी करा देंगे आप लोगों का, हमको थोड़ा सा मिला दीजिए, ऐसा सब मामला था। लेकिन यहाँ पे उलट वायरल हो रहा है कि आरती के भाभी ने उसको बुलाया फ़ोन करके, उसके बाद फिर एक रूम में बंद कर दिया, फिर उसको नाखून खींच करके या करेंट का शॉर्ट दे करके उसका जान ले लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आरती ने खुद उसको बुलाया है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये कॉल रिकॉर्ड आप सुनिए। भाभी से बात किए थे। क्या बोली भाभी? बोली आने खाली है उन्हें, अब जाएंगे कुटिए देगा तब। हेलो हाँ भाभी, क्या बोली? बोली बुला लीजिए। घर में क्या सब जानता है? सब जानते हैं पर पापा नहीं जानते हैं। तो क्या बोली कि बुला लीजिए ना? हाँ। बुला रही है भाभी, तो आ जाते हैं कल और की। जैसा कि आप सभी ने ये कॉल रिकॉर्ड सुन लिया है तो आपको यकीन जरूर हो गया होगा कि आखिर ये उसकी भाभी नहीं, उसकी आरती ही थी जो कि छोटू को बुलाया था। तो आप मामला ये उठता है कि छोटू चोरी करने के लिए आया था या कांड करने के लिए आया था। ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरती की दादी जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि छोटू उसके घर में चोरी करने आया था। तो आरती बोल रही है कि उसकी भाभी ने बुलाया था। तो इन दोनों की बात में कितना अंतर है या कितना समानता है, ये सब देखने की बात होगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि छोटू को ना तो वहाँ पे छोटू ना तो चोरी करने आया था, ना तो छोटू वहाँ पे कांड करने के लिए आया था। उसको बुलाया गया था आरती के जरिए शादी के बहाने कि आपका आइएगा तो आप दोनों का शादी के बारे में बात करेंगे। उसकी भाभी बोली थी आरती को और आरती ने ही उसको कॉल करके बुलाया था, ये कॉल रिकॉर्ड से साफ साफ पता चल गया होगा आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मौत के कारण सिर्फ उसकी भाभी नहीं, आरती भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, क्योंकि आरती को कहीं ना कहीं ये समझदारी होना चाहिए, क्योंकि आरती जो है ना BA पार्ट 2 में पढ़ रही थी और वो जो लड़का था छोटू वो भी इंटर में पढ़ रहा था। तो आरती को कहीं ना कहीं समझदारी होना चाहिए कि हम यहाँ पे कहीं गलत कर रहे हैं उसको बुला करके, क्योंकि जब जान रहे थे उसका भाई डेंजर है तो उसको इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था, किसी और लोगों के बीच में जाके उसको बुलाना चाहिए था, पंचायती में जाके बुलाना चाहिए था। लेकिन लड़की ने किया गलत क्योंकि छोटू को सुनसान अपने घर में बुलाया। और लड़की जो यहाँ तक बोल रही है कि छोटू को जब मार रहा था या करेंट का शॉर्ट दिया जा रहा था तो आरती को अलग कमरे में बंद कर दिया था, ऐसा भी जो है मामला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरती के घर में एक ही रूम है, एक रूम है तो उसी में गेट लगा हुआ है, दूसरा रूम किचन रूम है तो उसमें गेट लगा हुआ नहीं है। तो ये भी यहाँ पर आरती झूठ बोल रही है, इस बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, आपको उस वीडियो का क्लिप भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आरती का जो घर है एक ही रूम में सिर्फ गेट लगा हुआ है, बाकी का जो दूसरा गेट है मतलब रूम है तो उसमें गेट लगा हुआ नहीं है। ये सरासर आरती भी झूठ बोल रही है और उसकी दादी कहाँ तक सच्चाई बोल रही है, आइए इसके बारे में भी सुनाते हैं। हाँ। तो आरती जे बात बार बार कह रहा है कि लड़का के एक घर में बंद कर दिल के और दूसर घर में बंद कर दिल के छह केवाड़ी, तो तोर घर में एक केवाड़ी छो, एक के घर छो, एक के घर, तो जितना घर छो में एक के घर में केवाड़ी लागल छो, लागल छे, तो मतलब वो जे बात बोले छे हमरा दूसर घर में बंद करने रहे नहीं, केवाड़ी नहीं छो तो कोन केना करने, केना करने रहे वह बात समझ तो ना। हां को ओकरा कते बंद करने रहे छै, सब कोई तो जासे छ
छै कुछो हां सही में केट घर तोर के बारे तब ओकर झूठ पकड़ लह। जैसा कि आप सभी ने आरती की दादी को सुन लिया है तो आप लोगों को यकीन जरूर हो रहा होगा कि आरती कहाँ झूठ बोल रही है। आरती भी कहीं ना कहीं अपनी झूठ सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। आखिर छोटू क्या करने गया था, कांड करने गया था या प्रेम का इजहार करने गया था या शादी के बारे में बात करने गया था, इन सब के बारे से पर्दा उठने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जल्द ही आएगा नया एपिसोड, आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेगा।